जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। कल मैं आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव अपडेट्स बताया था, अगर आप कल का टेक न्यूज मिस कर दिए थे तो आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, क्योंकि कल के टेक न्यूज का एपिसोड जो था ना 15 मिनट का था। क्या? खैर, सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। सबसे पहला अपडेट आ रहा है ओप्पो रेनो 9 की तरफ से। हाँ, ये सर्टिफिकेशंस में पकड़ा गया, देख लो, इसका मॉनिकर कंफर्म हो गया है, मतलब कि ओप्पो रेनो 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स हम लोगों को दिसंबर तक देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे ना ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि 6-6 महीने में ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन्स के सक्सेसर सीरीज निकालते रहते हैं, ये तो अब आम बात हो गया है। लेकिन मैं तुम लोगों को सच बताऊं, अभी तक मैं ओप्पो रेनो 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स को भूल नहीं पाया हूं, ओप्पो रेनो 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स याद आते ही नहीं है, और ओप्पो रेनो 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स आने वाले। बात तो सही है। अगर ये स्टाइल ब्रांड्स छोड़ देते हैं ना, तो इसमें ब्रांड्स का ही ज्यादा फायदा रहेगा। पहली बात तो उनको कम फोन लॉन्च करना होगा, दूसरी बात अच्छे फोन्स लॉन्च करेंगे तो नाम भी होगा उनका, तीसरी बात प्रेशर कम होगा, चौथी बात अच्छे तरीके से अपने सारे फोन्स पे अपडेट्स दे पाएंगे। जरा तुम लोग खुद सोच के देखो, जुलाई के आसपास आईक्यू 10 सीरीज के फोन आए थे, अभी आईक्यू 11 सीरीज के फोन आने वाले हैं। भाषण अच्छा है, कितने सेल्फिश हो। वीवो बाबू हर हफ्ते अपने 2-3 फोन्स को लॉन्च नहीं करेगा तो उसको चैन नहीं मिलेगा। हाँ, सही सुन रहे हो, लिटरली हर हफ्ते में लॉन्च करता अपने फोन्स को। टेक न्यूज में बताता रहता हूं यार, तुम लोगों को तो पता चलता ही होगा। 2 दिन पहले वीवो वाई 32T लॉन्च हुआ था, आज वीवो वाई 73T लॉन्च हो गया। भाई वही एक दो फोन्स होते हैं, उन्हीं को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम के साथ लॉन्च करता रहता है, ये है वीवो का स्टाइल। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। आप वीवो के पीछे, वीवो आपके पीछे, टू मच फन। वैसे ये फोन फालतू है, इसके चक्कर में मत पड़ना, ये बाहर के कंट्रीज में लॉन्च हुआ है, ठीक है, याद रखना इस बात को। और मुझे कमेंट करके बताओ इस फोन का असली नाम क्या है, बताओ मुझे जल्दी से। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, इन दोनों सेल्स का आज आखिरी दिन है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इन सेल्स में क्या क्या खरीदे। अभी भी आखिरी दिन बाकी है, तो अगर आप कुछ खरीदने का सोच रहे थे तो जाके खरीद लेना। अगर आपको स्मार्टफोन्स में अच्छे डील्स ऑफर्स के बारे में जानना है, वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। और टेंशन मत लो यार, अभी तो दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, अभी बहुत सारे सेल्स आएंगे, तो टेंशन मत लो कि भाई एक मौका चला गया तो दूसरा मौका नहीं आएगा। अभी 5 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक फ्लिपकार्ट का बिग दिवाली सेल आने वाला है, देख लो अनाउंस हो चुका है, और उसी के आसपास देखना है अमेज़न का भी कोई ना कोई सेल जरूर होगा, तो टेंशन मत लो यार, मौके बहुत सारे आएंगे। पोको M4 5G के बहुत ज्यादा स्टॉक्स बचे हुए थे, जिसकी वजह से रेडमी बाबू ने कहा कि चलो टेंशन मत लो, हम अपना ब्रांडिंग लगा के इसको वापस से लॉन्च कर देंगे। तो रेडमी नोट 11R 30 तारीख को लॉन्च हो रहा है, देख लो भाई कौन सा फोन है, आपको पता है, मैं आपको बता ही चुका हूं, कोई नई बात नहीं है भाई, रेडमी पोको का चलता रहता है, कम पड़ता है तो शाओमी भी आ जाता है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? सैमसंग का मच अवेटेड टैबलेट सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 FE आज Geekbench पे पकड़ा गया है। अगर आपको इस टैबलेट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आपको सैमसंग के टैब S8 सीरीज के टैबलेट्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये 3 फ्लैगशिप टैबलेट्स हैं जो सैमसंग इसी साल लॉन्च किया था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल टैबलेट्स हैं, अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। जैसे कि सैमसंग के S सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है ना, वैसे ही समझ लो कि सैमसंग के फ्लैगशिप टैबलेट सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 FE आने वाला है। ये Geekbench में पकड़ा गया है, यहाँ पर आपको MediaTek Companio 900T देखने को मिलेगा, बवाल प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे पेस्ट ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, UFS 3.1 का शो सपोर्ट, LPDDR5 RAM टाइप, Android 12 और 2K डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बहुत ही बवाल टैबलेट होगा, इसी साल के एंड तक लॉन्च हो जाएगा, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा इसके बारे में, और इसका प्राइस काफी अग्रेसिव होगा, बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। आपको दोस्तों मैं करोड़ों सालों से टेक्नो फैंटम X2 के बारे में बताते हुए आ रहा हूं, परसों भी बताया था अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में, मिस कर दिए हो तो आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। अगर आपको जानना है कि अक्टूबर के मंथ में कितने सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आज ये जो फोन है FCC सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, इसका डिजाइन पता चल गया, देख लो भाई, देखने में बहुत बवाल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि iPhone 13 iPhone 14 के कैमरास को उठा के सेंटर पे टेक्नो लगा दिया है और अपना टच मार दिया है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही बवाल लगेगा, और आगे से कर्व डिस्प्ले होगा क्योंकि ऐसा रूमर आ रहा है, क्योंकि टेक्नो फैंटम में तो कर्व डिस्प्ले है, तो अगर टेक्नो अपना परंपरा प्रतिष्ठानुशासन फॉलो करेगा तो यहां पर भी दे देगा। पहले ये जो स्मार्टफोन होगा काफी अग्रेसिव स्पेसिफिकेशंस देगा और काफी अग्रेसिव प्राइस पे भी लॉन्च होगा, मतलब कि बवाल फोन होगा। आई होप सो कि इस बार इसको 4G बना के लॉन्च ना करें,
5G बना के टेक्नो लॉन्च करे, नहीं तो पिछला वाला तो बेस्ट था लेकिन प्रोसेसर फालतू था। इन्फिनिक्स जीरो 20, इसके बारे में आपको कल बताया था मैं, ये 5 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहा है लेकिन आज ये अमेरिकन मार्केट में लॉन्च हो गया है। 20,000 रुपए के आसपास इसका प्राइस है। स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स तो आपको कल के टेक न्यूज में बता ही दिया था। इंडिया में आपको दिखाई देगा ये 17,000 रुपए के आसपास, ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, उससे कम भी हो सकता है, रूमर्स ऐसे भी हैं, पता चल जाएगा यार, 2-3 दिन की बात है, उससे पहले मैं बता दूंगा। वैसे ये फोन काफी अच्छा है लेकिन आप मोटो G72 के लिए वेट करो, वो तो 3 तारीख को लॉन्च हो रहा है। ये वाला अपडेट आपका होश उड़ा देगा। अगर दोस्तों मैं आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी बताऊं जिसमें आप कुछ भी लिखोगे, लिटरली कुछ भी लिखोगे, वो वीडियो में कन्वर्ट कर देगा उसको, आपको ये सुना सुना सा थोड़ा लग रहा होगा ना। आप DALL-E के बारे में जानते हो, ये एक AI बेस्ड वेबसाइट है, इस पे आप जाके कुछ भी लिखोगे वो फोटोज वैसे क्रिएट करके दे देगा। लेकिन मेटा ये क्रिएट किया है, ये जो मैं बता रहा हूं टेक्नोलॉजी, ये है मेटा का AI टेक्स्ट टू वीडियो। इसमें क्या होता है, आप कुछ भी चीज लिखोगे ना उसका वो वीडियो बना देगा। सही सुन रहे हो, वीडियो। अगर आप लिख दिए कि कोई फला हीरो सुपर हीरो दाल भात खा रहा है, वो भी बना देगा वीडियो। अपने मन से जो भी दिमाग में आपका चल रहा है, जो भी लिखोगे वो क्रिएट कर देगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस क्रिएट किए हैं। हाँ, रेजोल्यूशन बहुत ही कम रहेगा क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग फेजेस में है, आने वाले टाइम में ये बहुत ही और इम्प्रूव होगा और ऐसे ऐसे हाई क्वालिटी वाले वीडियोस बना के देगा ना, आप सोच नहीं सकते हो। और ये बहुत बड़ा भाई बात है, ये फ्यूचरिस्टिक चीज है यार भाई, जरा सोच के देखो, आप कुछ भी लिख रहे हो लिटरली। आई होप सो कि तुम लोग मेरा ये फीलिंग समझ रहे होगे, आप कुछ भी लिखोगे और वो वीडियो बना के दे देगा। कितना अच्छा अच्छा हम लोग क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपके दिमाग में कुछ और दौड़ रहा होगा, मैं जानता हूँ। वैसे आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताना। जब मुझे पता चला था ना, मैं यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब अपने आंखों से देखा तब पता चला। अब ये टेस्टिंग फेज में, आप अपने PC में इसको कर सकते हो टेस्ट, ठीक है। अब कैसे करोगे, यूट्यूब पे सर्च मारना, डिटेल में पता चल जाएगा। इंटेल दोस्तों बवाल पे बवाल किए जा रहा है। पहले दोस्तों AMD और NVIDIA, ये दो ब्रांड्स थे जो GPU क्रिएट करते थे, लेकिन इंटेल बोला ऐसे कैसे, हम भी आते ना यार, हम भी अपने GPUs को लॉन्च करेंगे। तो वो कर तो रहा है, लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग GPU को लॉन्च किया, इंटेल आर्क A770। ये जो GPU है इसका प्राइस है 29,000 रुपए के आसपास, अमेरिकन प्राइस को कन्वर्ट करके बता रहा हूं, और ये इंडिया में भी आएगा। ये दोस्तों आपको किस लेवल का परफॉर्मेंस देता है पता है, RTX 3060 Ti को देखियो, उससे ऊपर का परफॉर्मेंस आपको देता है, RTX 3070 के आसपास का, और ये उनसे कम प्राइस पे अवेलेबल होगा। सोच के देखो यार, कितने बवाल ग्राफिक कार्ड्स के स्पेक्स हैं। अगर ये रिलीज होगा ना यार, इसको बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे अपने PC बिल्ड को बनाने के लिए, क्योंकि भाई ये उनसे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है ऊपर से कम प्राइस पे। इंटेल का जवाब नहीं। रेडमी पैड के बारे में आपको कल के टेक न्यूज में सब कुछ बता दिया था, स्पेसिफिकेशंस, रेंडर्स, सब कुछ दिखाया था, सब कुछ बताया था मैं, लेकिन आज इसका लॉन्च डेट आ गया है, 4 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और यार 4 अक्टूबर को ये क्या अकेले इंडिया में लॉन्च होगा, क्या इसके साथ Xiaomi 12 सीरीज के फोन लॉन्च नहीं होंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को Xiaomi का ग्लोबल लॉन्च इवेंट है जहां पर Xiaomi 12 सीरीज के फोन लॉन्च होंगे और रेडमी पैड भी ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, और उसी इवेंट में ये इंडिया में रेडमी पैड को लॉन्च कर रहे हैं या फिर अलग से करेंगे इवेंट। लेकिन भाई उसी दिन में पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा अंदर में उत्साह जाग रहा है कि क्या उसी दिन Xiaomi 12 सीरीज के फोन भी लॉन्च होंगे। खैर पता चल जाएगा, बताऊंगा मैं। Xiaomi CV2 जब परसों लॉन्च हुआ था तो Xiaomi उस इवेंट में अपने बहुत सारे अतरंगी प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया था। दो प्रोडक्ट्स बताता हूँ, एक है Xiaomi लिपस्टिक पावर बैंक। हाँ सही सुन रहे हो, लिपस्टिक पावर बैंक 1500 रुपए का, लिपस्टिक का भी काम कर देगा और पावर बैंक का भी काम कर देगा। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो एक नेक बैंड है कह सकते हो, लेकिन बहुत ही अतरंगी स्टाइल में है। देखो आपको डिजाइन दिखाऊंगा, आप भी बोलोगे हाँ भाई बात तो सही है, काफी अतरंगी डिजाइन में। इसका प्राइस है 5,000 रुपए। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स इंडिया में तो नहीं आएंगे क्योंकि भाई ये चाइना एक्सक्लूसिव है, Xiaomi CV सीरीज के अंदर में ये भी आते हैं, तो अगर कुछ पता चलेगा इनके बारे में, इंडियन प्राइस, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। Amazon Kindle Scribe, Amazon का नया टैबलेट जिसमें आप लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। देखो यारो, ये जो Amazon के टैबलेट्स होते हैं Amazon Kindle, इसमें केवल लिखना और पढ़ना ही होता है, ठीक है। ज्यादातर में तो पढ़ना ही होता है लेकिन इसमें लिखना है Amazon Kindle Scribe में। इसका जो प्राइस है 27,700 रुपीज है, यानी कि 28,000 रुपए अमेरिकन मार्केट्स में। इंडिया में भी आ सकता है ये, वैसे तो लॉन्च करेगा क्योंकि Amazon Kindle को खरीदने वाले इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो इसको भी करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक्सपेंसिव बहुत होगा क्योंकि लिखना भी यहाँ पर दे दिया ना। कुछ पता चलता है तो बताता हूँ। Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus, ये तीनों स्मार्टफोन्स आज 3C सर्टिफिकेशन पे पकड़े गए हैं। Redmi Note 12 में आपको 67 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
देखने को मिलेगा। 12 Pro में 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का और 12 Pro Plus में 210 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। भाई ये तो बवाल बात हो गया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता है, मुकुल शर्मा क्यों लिखे अपने ट्वीट में Redmi Note 13 सीरीज, Redmi Note 13 लिखे हैं देखो, और दो दो बार लिखे हैं तो इसको गलती नहीं कह सकते हैं। क्या वाकई में जो Redmi है अपने 12 नंबर सीरीज को छोड़ेगा, डायरेक्ट 13 पे कूदेगा? अब देखते हैं भाई, आने वाला टाइम आएगा तो आपको बताऊंगा मैं। वैली ये जितने भी Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में बताया हूँ, ये चाइना वाले हैं। हमारे जो इंडियन मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए जो Redmi Note 12 सीरीज के फोन्स आएंगे वो अलग होंगे। हर बार आपको बताते हुए आता हूँ, इस बार भी बता दिया। Vivo X90 सीरीज के फोन्स इस साल के दिसंबर मंथ के आसपास तक लॉन्च हो जाएंगे चाइना में। लेकिन Vivo X90 सीरीज के जो फोन्स होंगे ना यार, वो MediaTek Dimensity 9000 के एक नए वर्जन के साथ आएंगे, जो सबसे पहले Vivo X90 सीरीज के फोन्स में ही आपको दिखाई देगा। नहीं नहीं, मैं MediaTek Dimensity 9000 प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नया वर्जन होगा। अब हो सकता है ज्यादा ज्यादा MediaTek Dimensity 9000 अल्ट्रा कर देंगे, ये सब दोगलापन है। OnLeaks आज OnePlus 11R के स्पेसिफिकेशंस बता दिए। अब OnLeaks बताएं तो भाई चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि OnePlus 11R जब भी लॉन्च होगा वो ऐसे ही स्पेक्स आपको देगा। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, 120Hz रिफ्रेश रेट, 50:8:2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो प्राइमरी कैमरा है सोनी IMX766 के कैमरा सेंसर के साथ होगा, 16 का सेल्फी, 5000mAh बैटरी, 100W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ। अभी इतने ही स्पेसिफिकेशंस बाहर आए हैं, पूरे तो बता ही दिया, रेंडर्स नहीं आए, रेंडर्स जैसे आएंगे दिखा दूंगा। और ये जो स्मार्टफोन है, मुझे पता चला है अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास लॉन्च हो जाएगा, कुछ और इंफॉर्मेशन आएंगे तो बताऊंगा। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझसे अगर बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा @RealSufyanKhan। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।